हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जियो की 399 की प्लान आप कैसे 299 रुपीस में कर सकते हो, या तो फिर चाहो इस ट्रिक की मदद से आप वोडाफोन एयरटेल की 399 या उससे की एवप की प्लान सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीस में कर सकते हो। तो चलिए, अगर आप जानना चाहते हो उस वीडियो को एंड तक देखो, और साथ ही साथ इस वीडियो के साथ और भी दो अमेजिंग ऑफर्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। जियो की 399 की प्लान्स को अगर आप 299 रुपीस में करना चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए सिर्फ एक अमेज़ॉन का नया अकाउंट। तो अगर आपके पास एक अमेज़ॉन की नया अकाउंट है, या तो फिर कोई ओल्ड अकाउंट भी चले जाएंगे जहां से आप कभी भी रिचार्ज नहीं किए हो, अगर आपके पास है उसको आप लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद जो जो भी प्रोसेस बताती हूँ उसको बस फॉलो करते जाइए। आपको सिंपली यहाँ पर रिचार्ज की सेक्शन पर आना है, फिर यहाँ पर आपको अपना 3 डिजिट की मोबाइल नंबर देना है, फिर ऑपरेटर एंड सर्कल सिलेक्ट करनी है, और आपकी प्लान की जो अमाउंट है उसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर पे करके रिचार्ज कर देनी है। रिचार्ज आप किसी भी पेमेंट मेथड यूज करके आप पे कर सकती हो। अब बातें हैं ये ऑफर कौन सी है। देखो फ्रेंड्स, अमेजोन पे अभी जो एक ऑफर चल रहा है 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक एक ऑफर चलेंगे, जहां पर अगर आप फर्स्ट टाइम रिचार्ज करती हो अमेजोन से 398 या उससे कि अबव की अमाउंट की, तो आपको यहां पर 100 रुपीस की फ्लैट कैशबैक मिल जाएंगे। तो अगर आप 398 या उससे कि ज़्यादा अमाउंट की यहाँ से रिचार्ज करी हो एक नया अकाउंट को यूज़ करके, तो आपको यहाँ पर 100 रुपीस का फ्लैट कैशबैक मिल जाएंगे अमेजोन पे बैलेंस के रूप पर। मतलब कि आप यहाँ पर 100 रुपीस सेव कर रहे हो। टोटल कुल मिला के देखते हो तो आपकी जियो की 399 की प्लान 299 रुपीस में हो रही है। आपको जो 100 रुपीस फ्लैट कैशबैक मिलेंगे उसको यूज़ करके आप अमेजोन से बाकी नेक्स्ट टाइम भी रिचार्ज इनिशिएट कर सकते हो। और भी एक ऑफर चले अमेजोन पर ही, अगर आप फर्स्ट टाइम 148 या उससे कि अब आपकी अमाउंट रिचार्ज करती हो, तो आपको यहाँ पर फ्लैट 50 रुपीस का कैशबैक मिलेंगे। और जो ओल्ड यूजर्स है उनके लिए भी एक ऑफर है, अगर वो अमेजोन पे बैलेंस को यूज़ करके रिचार्ज करते हैं तो उनको यहाँ पर 30% के हिसाब से कैशबैक मिलेंगे। और यहाँ पर जो मैक्सिमम कैशबैक अमाउंट है वो 30 रुपीस है। मतलब अगर 100 रुपीस का रिचार्ज करते हो तो उसका 30% होते हैं 30 रुपीस, तो आपको 100 रुपीस का रिचार्ज में 30 रुपीस मिलेंगे ओल्ड यूजर्स के लिए, ठीक है। और उससे कि अबव की करोगे फिर भी आपको जो है 30 रुपीस ही मिलेंगे। अगर आपको पसंद आते हैं ऑफर तो ज़रूर जाके अप्लाई कर लेना। अब बढ़ते हम नेक्स्ट ऑफर की तरफ। नेक्स्ट जो ऑफर आ रही है वो आ रही है जिंगोए की तरफ से। जिंगोए पर अगर आप पेपल अकाउंट से ट्रांजेक्शन करते हो मिनिमम 50 रुपीस का, तो आपको इंस्टेंट जो है 50% की कैशबैक दिया जाएगा। इसका जो मैक्सिमम कैशबैक है वो 200 रुपीस। मतलब कि अगर आप जिंगोए पर जाकर 400 रुपीस का ट्रांजेक्शन करते हो और आप पेपल से पे करते हो, तो आपको यहाँ पर 200 रुपीस का कैशबैक इंस्टेंट मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यही पर ख़त्म नहीं होते हैं। आपको तो असली टर्म एंड कंडीशंस के बारे में नहीं पता है, तो मैं बता देती हूँ। अगर आपकी पेपल अकाउंट से ये वाला ट्रांजेक्शन पहला ट्रांजेक्शन हो रही है, मतलब कि इसके पहले आप पेपल अकाउंट के यूज़ करके दूसरे किसी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर जाके पेमेंट नहीं किए हो, तभी जाके आपको यहाँ पर 50% की कैशबैक मिल सकती है। और एक बड़ा टर्म एंड कंडीशंस क्या है, अगर आप फर्स्ट 15,000 कस्टमर्स में से आ जाती हो तभी जाके आपको कैशबैक मिल सकते हैं, वरना नहीं। देखो, आप जब भी ये ऑफर को अप्लाई करने जाओगे, अगर वहाँ पर लिखा आते हैं कि ये ऑफर अप्लाइड हो रही है एंड इसके लिए कैशबैक मिलेंगे, तभी जाके आप ऑफर को अप्लाई करना। कोई भी ऑफर के लिए ये देखना आपके लिए ज़रूरी होते हैं कि आपको जो है ऑफर के लिए कैशबैक मिल रही है या फिर नहीं। कोई कोई यूजर्स जो है बिना देखकर ही पेमेंट कर देते हैं, फिर जाके उनको कैशबैक नहीं मिलते। आप तो पहले देखो कि कैशबैक मिलेंगे या फिर नहीं, तब जाके ट्रांजेक्शन करना, उसके पहले ट्रांजेक्शन नहीं करना। तो आप सिंपली गिफ्ट कार्ड खरीद के यहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट ऑफर आ रही है जिंगोए की तरफ से। जिंगोए में आकर अगर आप कोई भी गिफ्ट कार्ड परचेस करते हो एंड फोन पे के थ्रू पे करते हो, तो आपको यहाँ पर 10% के हिसाब से कैशबैक दिया जाएगा 2 ट्रांजेक्शन पर। इसका जो मैक्सिमम अमाउंट हो वो है 30 रुपीस तक। तो अगर आपको गिफ्ट कार्ड खरीदना है तो आप फोन पे से आप पे कर सकते हो। तो अगर आप भी चाहते हो इस ऑफर का भी मजा उठा सकते हो।
और लास्ट में और एक चीज, अगर अभी पेटीएम पर जाके मंथली 20 प्रोमो कोड को लगा के रिचार्ज करते हो, तो अगर आप मंथ की पहले रिचार्ज भी करते हो ना, तो ये जो मंथली प्रोमो कोड से अप्लाई नहीं हो रही है, बहुत सारे अकाउंट्स पे मैंने ट्राई किया तो नहीं अप्लाई हो रही है, तो पता नहीं इनके तरफ से कोई इशू है और अदर कोई रीज़न है, मुझे अभी तक पता नहीं, तो जब भी मुझे पता चल जाएंगे आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी वीडियो की। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक आप खुश रहो एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहो। थैंक यू।